कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी महिला मोर्चा की सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस दौरान महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शीला भयाना और जेजेपी की संगठन मंत्री राजेंद्र लिटानी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। संगठन मंत्री राजेंद्र लिटानी ने बताया कि बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में पार्टी की नीयत और नीति के विषय में महिला मोर्चा को संबोधन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जननायक जनता पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से पूरे प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने वाली बाडरा से विधायक बहन श्रीमती नैना चौटाला जी के दिशा निर्देश आदेश पर जननायक जनता पार्टी की हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला भयाना जी और राष्ट्रीय संगठन सचिव कहते मैं राजेंद्र लिताणी पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में जिला स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए और उसका यथोचित जो भी समाधान बन पड़े अपने जिले के सभी साथियों के साथ उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी समस्या दूर करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आज 17वें जिले कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर पहुँचे। पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से आदेश दिशा निर्देश हैं कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के सामूहिक नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता की भलाई के जो भी काम कर रही है उन सारी बातों को पार्टी के जन जन तक पहुंचाने के लिए ताकि वो अपने समाज में जाके उसका और प्रचार कर सके, इन बातों को लेकर के और संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे। प्रदेश अध्यक्ष शीला भयाना ने इस मौके पर कहा कि महिला मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए लगातार पार्टी के साथ महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और इसी को लेकर पार्टी की नीति से महिलाओं को अवगत करवाया गया। पूरे हरियाणा प्रदेश में नैना सिंह के नेतृत्व में जो हरी चुनरी चौपाल हुई तो महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई और महिला नैना सिंह ने एक वादा किया था महिलाओं को मान सम्मान देंगे और जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांझे की सरकार है और महिलाओं को सम्मान दिया 50% जो पंचायती राज में आज हमारी माता और बहनों को जो अधिकार मिले हैं 50% का उसका हम डिप्टी CM और मनोहर लाल खट्टर जी का नैना सिंह का धन्यवाद करते हैं और जननायक जनता पार्टी की महिलाओं को जागरूक करने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए, अनेक अनेक जो समस्याएं थी उनका हल करने के लिए आज हम आपके इनके बीच में आए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को बताया गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया है जिससे महिलाएं चुनाव में ज्यादा भागीदारी होंगी और महिलाएं समाज में अपनी आवाज को मजबूत करने का काम करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।